अभियान क्या है? चूंकि आदर्श आचार संहिता जो लगी है उसके तहत, चलिए देखिए नोएडा की तस्वीरें देख लीजिए, इसको पहले हमने आपको लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाई, हर जगह चुनाव आयोग के बाद जैसे ही भारत में आदर्श आचार संहिता लगी, तमाम पोस्टर्स बैनर हटाए जाने लगे, भले ही वो प्रधानमंत्री के ही क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री के ही क्यों ना हो, वो जन कल्याणकारी योजनाओं के क्यों ना हो, उन्हें हटाना जरूरी है चूंकि ये रूल्स है और वही काम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर कर रहा है। आचार संहिता का डंडा लखनऊ में भी देखने को मिला, कड़ाई से यहां भी पालन किया जा रहा है, प्रशासनिक अमला वॉल पेंटिंग पुतवाने में लगा हुआ है, बैनर और होर्डिंग भी हटाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का यहां पर प्रचार किया हुआ नारा लिखा गया था, चुनाव चिन्ह था, जिसे प्रशासन ने मिटा दिया है। आचार संहिता लगते ही उसके अनुपालन के लिए जो प्रशासनिक अमला है वो जुट गया है और जो सार्वजनिक जगह है उनके उन स्थानों से जो चुनावी पार्टियां हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनके प्रचार प्रसार की जो चीज़ें हैं वो हटाई जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि एक दीवार पर एक सियासी पार्टी का नारा लिखा हुआ था, उसका चुनाव प्रचार से जोड़कर देखा जा रहा है और प्रशासनिक अमला लगातार इस बात को एश्योर कर रहा है कि जो चुनाव की आचार संहिता है उसका पालन कराया जाए और उसका सख्ती से पालन कराया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर ये कहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के अनुपालन में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, तो ये प्रशासनिक अमला लगातार जुटा हुआ है। ये जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुपालन में क्या करा रहे हैं आप लोग? चुनाव आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करते हुए समस्त दीवारों पर होर्डिंग, बैनर या कोई भी सब लिखे गए जो पार्टी अनुसार लिखे गए हैं उन्हें मिटाया जा रहा है। तो आपने देखा जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार सक्रिय हो गया है और उसी क्रम में लखनऊ प्रशासन की अगर हम बात करें तो लखनऊ प्रशासन सक्रिय हो गया है और अपने काम में जुट गया है। कैमरामैन महीप के साथ फरमान अब्बास मंजुल, भारत समाचार, लखनऊ। और इस वक्त हमारे चार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरमान अब्बास मंजुल लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, एसएस झा झांसी से, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हैं और कानपुर से हमारे साथ अवनीश दीक्षित जुड़े हैं। देखिए सभी से मेरा एक ही सवाल है, चूंकि आदर्श आचार संहिता लग गई है उसके बाद आपके जिले में, आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, कितनी कड़ाई से काम हो रहा है, कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए, चुनाव आयोग को दीजिए। शुरुआत अवनीश आपसे। देखिए कल जैसे ही शाम आचार संहिता लागू की गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आचार संहिता लागू करने का आदेश किया, उसके बाद जिला प्रशासन तत्काल एक पीसी की थी, उसमें डीएम एसएसपी के अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी जो इलेक्शन में लगे हैं, उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा जो एसीएम लगे हैं, उन सबको एक टीम बना दी गई थी। पूरे कानपुर 30 टीमें बना दी गई हैं, प्रत्येक कार्य प्रत्येक विधानसभा में 3 लोगों की टीम बनाई, 3 टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि 10 विधानसभा आती है कानपुर लोकसभा में। रात से ही बराबर होर्डिंग बैनर जो उतारे जा रहे थे, सरकार की जो कल्याणकारी विकास योजनाओं के या केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो विज्ञापन लगाए गए, पट लगाए गए थे, जहाँ नारे लिखे गए थे, वो सब उत्पाद यहाँ कड़ाई से पालन हो रहा है। जितेंद्र, अब फिरोजाबाद की क्या स्थिति है आप बताइए। ठीक है अवनीश, यहाँ कड़ाई से हो रहा है बता दिया आपने। जितेंद्र जी, बिल्कुल राहुल जी, जिस तरह पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हुई है उसी क्रम में फिरोजाबाद की बात करें तो एसएसपी डीएम ने एक ब्रीफिंग की, उसके बाद जो मॉरल कंडम्स यानी कि आचार संहिता से संबंधित जो निर्देश हैं उनको मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने के लिए काम किया, उसके बाद देर रात्रि अभियान चला है। चूँकि 48 घंटे का टाइम दिया गया है, 48 घंटे के अंदर इस तरह अभियान चलाकर तमाम चुनाव प्रचार संबंधी जो पटलेखन हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव से संबंधित जोड़ी जाती हैं, उन सबको पुतवाया जाए, उनको हटवाया जाए, तो उसका बदस्तूर क्रम जारी है। कल रात्रि में अभियान चला था, आज दिन में भी चला था, ऐसी कुछ बॉल पेंटिंग है जो पार्टी फिरोजाबाद में एक तरह से मैनेज करती है। समय दिया गया है, एसएस झा झांसी में क्या स्थिति है, कैसे काम हो रहा है यहाँ पे? झांसी की बात करें तो 5 बजे, शाम को 5 बजे के बाद जैसे कि जानकारी पड़ी है कि चुनाव एक का फैसला हुआ, इसके बाद चलिए कमोबेश स्थिति झांसी में भी वही है। फरमान अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरमान अब्बास
लखनऊ में कितनी कड़ाई से इसका पालन हो रहा है, हर जगह आप पोस्टर बैनर्स दिखा करते थे, आप मुख्यमंत्री चौराहे चले जाइए वहां भी 1090 चले जाइए वहां भी सब हट गए जो भी राजनीतिक दल के थे। देखिए राहुल, चूंकि लखनऊ ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से सरकार चलती है, ऐसे में सरकार से जुड़े हुए तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके मुख्यालय यहाँ पर हैं प्रदेश के, उनसे सियासी पार्टियों से जुड़े हुए चुनाव के बैनर्स, होर्डिंग, पोस्टर्स और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स ये हर चौराहे पर नज़र आ जाती थी, लेकिन जब से चुनाव आचार संहिता लगी है प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ है और उसके बाद एक एक होर्डिंग यहाँ से हटाई गई है, जहाँ पर वॉल पेंटिंग थी उनको सफ़ेद रंग से पोता जा रहा है, प्रशासनिक अमला खुद इसमें जुटा हुआ है और ये एश्योर कर रहा है कि किसी भी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन ना होने पाए और जहाँ जहाँ पर भी जिस चौराहे पर जिस सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की होर्डिंग्स लगी हुई थी सियासी पार्टियों की जिनको चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में रखा जाता है। कोई पूछकर बैनर होर्डिंग लगा सकता है परमिशन लेकर? देखिए बिल्कुल, परमिशन इसके लिए लेनी होगी और जो होर्डिंग्स लगाई जाएंगी वो चुनाव के खर्च में जोड़ी जाएंगी प्रत्याशियों के। ओके, ऐसे में अगर चुनाव खर्च में जोड़ी जाएगी और आपको परमिशन लेकर ही बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे संवाददाताओं का जिन्होंने अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई अपने जिले की। आगे बढ़ेंगे।